एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ब्लैकबोर्ड स्किल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास के अंदर ब्लैकबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड है, जिसके बगैर क्लास का होना असंभव लगता है। क्योंकि शंपट के बगैर अगर हम कहें कि कोई भी क्लास एक टीचिंग क्लास है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। शंपट का उचित प्रयोग हर टीचर को आना चाहिए, क्योंकि शंपट ही ऐसा है या ब्लैकबोर्ड एक ऐसी एड है जिसके थ्रू टीचर बच्चों को जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है या कुछ डायग्राम उसे बनाना है, वो बच्चे के सामने प्रस्तुत करता है। शंपट के द्वारा ही छात्रों का ध्यान जो है वो केंद्रित रहता है। टीचर जिस कंटेंट पर अपने बच्चों का ध्यान फोकस कराना चाहता है, उसे उस कंटेंट के बारे में इम्पॉर्टेंट थिंग्स को ब्लैकबोर्ड पे लिखकर बच्चों को अट्रैक्ट कर सकता है या कोई डायग्राम बनाकर वहाँ पर उसका ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो इस तरह से जो शंपट है या जो ब्लैकबोर्ड है, उसके थ्रू वो उसकी ऑडियो और वीडियो दोनों सेंसेस को एक्टिव रखता है, ताकि बच्चा जो है उन चीज़ों को आगे समझ सके। तो इस तरह से कोई भी जो क्लास है, उसको प्रॉपरली हम टीचिंग रूम नहीं कह सकते अगर वहाँ पर ब्लैकबोर्ड नहीं है। बच्चों का इंटरेस्ट भी जनरेट करता है ब्लैकबोर्ड। अब ब्लैकबोर्ड के टाइप्स के बारे में अगर पता चलें करें हम, तो बहुत तरह के ब्लैकबोर्ड्स होते हैं। जैसे पहला है फिक्स्ड ब्लैकबोर्ड, जो कि एक तरह से दीवार पर जुड़े हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जो जनरली क्लास में हम देखते हैं। ये ब्लैकबोर्ड जो हैं, उस क्लासरूम से बाहर हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंटली अटैच्ड होते हैं दीवारों पर। दूसरा है रोलर ब्लैकबोर्ड। रोलर ब्लैकबोर्ड, जिसको हम एक डंडे के लपेट सकते हैं, लपेटवा ब्लैकबोर्ड भी इसको कहते हैं, और इसे टीचर अपना कुछ एक्स्ट्रा ब्लैकबोर्ड से के अलावा अगर उसे कुछ और चीज़ें लिखनी हैं जो उसी समय वो ब्लैकबोर्ड पर नहीं लिखना चाहता है, तो इन ब्लैकबोर्ड्स पर वो पहले से लिख के ले आता है और वहीं कक्षा में उसे टांग कर बच्चों को उस टाइम पर दिखा सकता है। तीसरा है ग्रीन ब्लैकबोर्ड। जैसे जनरली पहले क्लास में ब्लैकबोर्ड ब्लैक कलर के ही होते थे, लेकिन नाउडेज ग्रीन ब्लैकबोर्ड भी आते हैं, जिनके ऊपर टीचर इवन चौक से भी लिख सकता है। देन इसके बाद है वाइट ब्लैकबोर्ड, जो आपने देखे होंगे। वाइट ब्लैकबोर्ड आजकल स्टैंडिंग ब्लैकबोर्ड हैं, ये इधर से उधर ले जाए भी जा सकते हैं, ने व्हील्स पर भी स्टैंड कर सकते हैं या परमानेंटली हम दीवार पर भी लगा सकते हैं। और इन ब्लैकबोर्ड के लिए जनरली हम मार्कर्स का यूज़ करते हैं। एक नए टाइप के ब्लैकबोर्ड्स और चले हैं, मैग्नेटिक बोर्ड्स, जिन पर हम मैग्नेटिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके पीछे मैग्नेट लगी हुई है, उन्हें हम वहाँ पर लगा सकते हैं, और जब उनकी ज़रूरत ना हो तो उनको हम वहाँ से हटा भी सकते हैं। जनरली ये छोटे बच्चों के लिए भी हम यूज़ करते हैं छोटी क्लासेज में, जैसे हमें अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, उनसे रिलेटेड पिक्चर्स दिखानी हैं, तो वहाँ पर हम उनको मैग्नेटिक ब्लैकबोर्ड्स के थ्रू दिखा सकते हैं, और जब आवश्यकता ना हो तो उन ऑब्जेक्ट्स को बोर्ड से हटा सकते हैं। इसके बाद है वुडन पोर्टेबल ब्लैकबोर्ड्स। पोर्टेबल, इनको हम दोबारा से फोल्ड भी कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी ले जा सकते हैं, या फोल्ड करके हम रख भी सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, स्टैंड ब्लैकबोर्ड, जो खड़े हुए ब्लैकबोर्ड होते हैं। आपने देखा होगा पहले कभी जो क्लासेस चलती थी बाहर, तो वहाँ पर हमने देखा है कि एक स्टैंड पर ब्लैकबोर्ड लगा देते हैं और बच्चे को उस पर सिखाते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैकबोर्ड्स हैं। ब्लैकबोर्ड्स को जनरली हम विजुअल एड्स में लाते हैं, क्योंकि ये सभी जो एरियाज हैं एजुकेशन के या ट्रेनिंग के, उनमें इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैकबोर्ड स्किल, इसके घटक क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट्स में अगर सबसे पहले बात करें, तो वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी जो भी स्पेस है ब्लैकबोर्ड पर, उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कहाँ पर कहीं लिख दिया टीचर ने, कोई चीज़ किसी दूसरे कोने में लिख दिया। तो यहाँ पर जो ब्लैकबोर्ड का स्पेस जो मिला हुआ है, उसे सही प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोजीशन ऑफ द टीचर। एक शिक्षक की कैसी स्थिति होनी चाहिए,
वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो टीचर को हमेशा एक एंगल से खड़े होना चाहिए ताकि वह जो लिख रहा है वो भी बच्चों को दिखाई देता रहे, और टाइम टू टाइम टीचर भी लिखते के दौरान बच्चों को पीछे देखता रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि टीचर जो है सारी अपना ब्लैक बोर्ड को छिपा देता है या अपनी सारी बैक जो है वो ब्लैक बोर्ड पर पीछे बच्चों के बिल्कुल सामने आ जाती है, जिससे कि जो टीचर लिख रहा है वो बच्चों को क्लियरली दिखाई नहीं देता और बच्चा उस स्थिति में स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, और बार बार वो फिर या तो टीचर को डिस्टर्ब करता है कि मुझे दिख नहीं रहा है, या फिर दूसरे बच्चों के साथ बात करता है। तो एक टीचर को जो है वो 30 डिग्री के एंगल से खड़ा होना चाहिए स्लाइटली, ताकि बच्चे को भी ब्लैक बोर्ड दिख सके और टीचर भी आराम से उसमें लिख सके। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है कंप्लीटिंग ऑल इम्पॉर्टेंट एंट्रीज। तो जितनी भी आवश्यक प्रतिष्ठियां हैं ब्लैक बोर्ड की वो एक टीचर को पूरी करनी चाहिए, जैसे उसे अपना टाइम पे अपना डेट डालना है, अपनी क्लास लिखनी है, क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर क्या उसमें वो विषय पढ़ा रहा क्या वो टॉपिक पढ़ा रहा है, उन सबको उसे एंट्री करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है नीटनेस ऑफ वर्क। तो ब्लैक बोर्ड पर जो भी कार्य टीचर एक कर रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए जो कि नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट है, सब कुछ लिखा हुआ बच्चे को समझ में आना चाहिए, लेटर्स क्लियर होने चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को परेशानी हो। इसके बाद है कुछ, जैसा मैंने अभी टीचर की स्थिति कहा, तो कौन से ऐसे काम हैं जो एक टीचर को उस समय करने चाहिए और कौन से काम जो है वो नहीं करने चाहिए। तो मैंने ये एक लिस्ट बनाई है कि डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ टीचर वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड या वाइल यूजिंग द ब्लैक बोर्ड। तो क्या एक काम है जो टीचर को करने चाहिए, डू इट एंड नॉट टू डू इट। तो डू इट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नीटनेस का काम आता है कि साफ सुथरा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, जो राइटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और जो टीचर ने लिखा हुआ है वो क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। मैशअप नहीं करना चाहिए कि आपको कोई चीज़ बतानी है तो आपने वो यहाँ से ना मतलब दूसरे कोने में लिख दी और फिर आप अपने मेन पॉइंट्स पर आ गए। हमेशा टीचर को लिखते वक्त ध्यान देना चाहिए कि जो वो बता रहा है केवल वही हाईलाइटेड होना चाहिए, जिस सेंटेंस को उसने हाईलाइट करना है ब्लैक बोर्ड पर एट ए टाइम वही दिखाई देना चाहिए, या वही सब टॉपिक या वही कंटेंट वहाँ पर होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो कंफ्यूज ना हो। सेकंड जो इसमें है वो है राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा एक सीधी लाइन में टीचर को लिखना चाहिए। देन साइज ऑफ लेटर्स, लेटर्स का साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि लास्ट में जो क्लास में बच्चा बैठा हुआ है उसे भी वो दिखाई दे, ना ही इतने बड़े हों कि ऑड लगे और ना ही इतने स्मॉल हों कि आप इवन आगे वाला बच्चा जो बैठा हुआ है उसको भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से साइज लेटर का अप्रोप्रिएट होना चाहिए और उन लेटर्स के बीच में जो स्पेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, या लाइन के बीच में जो स्पेस है टू लाइंस के बीच में बिटवीन टू लाइंस वो भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द लॉजिकल कंटिन्यूटी। जो आपकी तारतम्यता है या एक दूसरे से अटैचमेंट है एक लाइन का दूसरे से या एक सेंटेंस का दूसरे से, वो लॉजिकली होना चाहिए, यानी एक दूसरे से वो अटैच्ड होने चाहिए। देन कंप्लीट एंट्रीज, जो भी एंट्रीज हैं वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। डायग्राम्स अंडरलाइन मेन पॉइंट्स, अगर कोई कंटेंट से रिलेटेड डायग्राम है वो टीचर को वहीं पर बनाना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर, लेफ्ट हैंड साइड में उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और राइट हैंड साइड में जितने भी रिलेटेड डायग्राम्स हैं टीचर को अगर आवश्यक है उस समय तो वो वहाँ पर बनाने चाहिए। एंड लास्ट वन इज द कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता जा रहा है, बताता जा रहा है या जो भी उसे कंटेंट लिखना है, बट बीच बीच में वो बच्चों से कनेक्ट नहीं हो रहा है, बीच बीच में उसे बच्चों से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक टीचर को
ब्लैक बोर्ड यूज़ करते समय करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ब्लैक बोर्ड पर को यूज़ करते समय टीचर को कभी भी नहीं करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला तो यही है, डू नॉट कवर द ब्लैक बोर्ड वाइल राइटिंग। लिखते वक्त ब्लैक बोर्ड को पूरा कवर नहीं करना है टीचर को। सेकंड, इरेजिंग विद हैंड्स। जनरली क्या होता है कि टीचर क्या है, अगर कुछ उसे इरेज करना है हाथ से ही इरेज कर देता है, उंगली से इरेज कर देता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी उसे कोई चीज़ मिटानी है तो हमेशा डस्टर का यूज़ करना चाहिए। अब जब डस्टर का यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं जनरली टीचर, वो चॉक और डस्टर को हमेशा अपने हाथ में पकड़े रहते हैं वाइल राइटिंग, या वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तब भी, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। होल्ड द चॉक एंड डस्टर ऑल द टाइम इन हैंड कभी नहीं होना चाहिए, जब उनकी आवश्यकता है तभी टीचर को अपने हाथ में चॉक और डस्टर को रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेइंग विद चॉक। चॉक से कभी भी टीचर को खेलना नहीं चाहिए, जैसे कई बार एक्सप्लेन करते वक्त भी चॉक हाथ में रहता है, कुछ टीचर्स क्या चॉक को तोड़ते थे रहते हैं और उन्हीं चॉक को बच्चे पे फेंक कर उसको खड़ा करना, या कुछ वो कर रहा है शरारत तो उसको उसी से ही फेंक के मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ओवर राइटिंग एंड नॉइज़ वाइल राइटिंग। कभी भी लिखते वक्त, चौक से लिखते वक्त आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और ओवर राइटिंग भी टीचर को नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट वन, डूइंग स्पेलिंग मिस्टेक वाइल राइटिंग। एक टीचर को कभी भी ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का उसे ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टीचर को नहीं करनी चाहिए। अब ये इससे ब्लैक बोर्ड स्किल से रिलेटेड लेसन प्लान बनाया है मैंने, जिसमें कि एंट्रीज ऊपर की तो वही हैं, जिसमें आप डेट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 क्लास का है ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि जैसा कि अब ब्लैक बोर्ड स्किल है तो इसमें मोस्ट जो यूज़ है वो ब्लैक बोर्ड का ही होगा। बट ब्लैक बोर्ड का यूज़ करने से पहले टीचर अपने कंटेंट को इंट्रोड्यूस करेगा और स्टेटमेंट देगा, जैसे यहाँ पर कि स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब उसके लिए क्या होगा कि ये इस्तेमाल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लैक बोर्ड को, तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बनाने के लिए वो ब्लैक बोर्ड पर इसको डेफिनेशन लिखेगा, द सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर, और यहाँ पर पैरामीटर का फॉर्मूला बच्चे को बताएगा। बच्चे अपनी एक्टिविटी में यहाँ पर इस चीज़ को केयरफुली देखेंगे और उसमें नोट डाउन करेंगे। इसके बाद इसके कंपोनेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नीटनेस और कनेक्टिंग विद द टॉपिक। तो इस तरह से ये आज हमने ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में पढ़ा है, और इससे रिलेटेड हमने ये आपको वो भी दिखाया है स्किल का लेसन प्लान। लास्ट में टीचर यहाँ पर होमवर्क भी दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो इसे अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।